27 अगस्त 2021 की दोपहर इसी घर में एक नहीं बल्कि घर के चार लोगों की लाशें मिलती हैं। सभी लोगों के सर में गोली मारी गई होती है। ये घर था रोहतक के नामी ग्रामी प्रॉपर्टी डीलर बबलू मलिक का। मलिक फैमिली रोहतक के कुछ सबसे अमीर घरानों में से एक थी। इसकी गवाही उनके सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई तस्वीरें देती हैं। सारा परिवार खुशी से सारे त्योहार और जन्मदिन मनाया करता था, मगर उनके इस कदर हत्या ने पड़ोसियों को भी हैरानी में डाल दिया। घर में बबलू पहलवान, पत्नी बबली, सास रोशनी और बेटी नेहा को मौत की नींद सुलाने की कोशिश की गई थी, मगर घर का बेटा अभिषेक और मोनू घर में मौजूद नहीं था। अभिषेक घर पर तो मौजूद नहीं था, मगर मामा प्रवीण को फोन करके बताता है कि घर का दरवाजा बंद है और कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। जैसे ही प्रवीण जीजा बबलू के घर पहुंचता है तो वहां भीड़ देखता है और अभिषेक वहीं बिलक बिलक कर रो रहा होता है। घर में अंदर घुसते ही प्रवीण बबलू पहलवान का शव देखकर हैरान रह जाता है। वहीं ऊपर जाकर देखता है तो माँ रोशनी और बहन बबली भी उसी हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। भांजी नेहा को भी गोली लगी थी, मगर उसे अधमरी हालत में पहले ही PGI ले जाया जा चुका था। बहन नेहा 30 अप्रैल को ही 19 साल की हुई थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो दोनों भाई बहन के सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं। मिस्टर हरियाणा रह चुका 20 साल का अभिषेक मॉडलिंग भी करता था। परिवार की अमीरी की कयास तो उनकी वेकेशन और घर की फोटोज देखकर ही लगाई जा सकती है। प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान प्रॉपर्टी डीलर था। ऐसे में कई लोगों पर शक की सुई घूम रही थी, जिसकी चपेट में बेटा अभिषेक मलिक भी आता है। धीरे धीरे पुलिस ने अपनी जांच बढ़ाई और अभिषेक से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आया। जैसे जैसे अभिषेक की जिंदगी को टटोला गया तो उसके एक अफेयर के बारे में पता लगता है। अफेयर भी कार्तिक नाम के एक लड़के से। कार्तिक अभिषेक का दोस्त था। दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और दूसरे राज्य का होने की वजह से कार्तिक और अभिषेक महीने में एक बार मिलते थे। अब अभिषेक की बहन नेहा को अपने भाई के गे होने के बारे में पता लग जाता है। नेहा अपने घर वालों को इस रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। जाहिर तौर पर घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं आता। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगता है। अक्सर अभिषेक और उसके परिवार वालों के बीच बहस होती है। पापा बबलू ने बेटे को खर्चा देने से भी मना कर दिया और कार्तिक से मिलने पर पाबंदी लगा दी। ऐसे में एक दिन अभिषेक अपने घर वालों से 5 लाख रुपए की मांग करता है। अभिषेक प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि उस पर अपना जेंडर बदलने का भूत सवार हो जाता है। वह जेंडर बदलवा कर अपने पार्टनर के साथ विदेश भाग जाने का प्लान बनाता है। 25 अगस्त को अभिषेक अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक को दिल्ली बाईपास से सटे एक होटल में बुलाता है। दोनों 27 तारीख तक होटल में रुकते हैं। इसी दौरान अभिषेक अपने घर जाता है। अपने पिता की अवैध गन से पिता, बहन, नानी और माँ को एक एक कर सर में गोली मार देता है। उसके बाद होटल वापस लौट आता है। मगर कार्तिक को अभिषेक के इस कारनामे के बारे में भनक लग चुकी होती है। फिर कार्तिक भी उसे वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। इस बात का पता अब तक नहीं लग पाया है कि उसका दोस्त इन हत्याओं में शामिल था या नहीं। प्रदीप मलिक यानी बबलू पहलवान ने अपने बेटे अभिषेक को खुद ही बंदूक चलानी सिखाई थी। बबलू पहलवान की कई पॉलिटिकल लीडर से भी अच्छी जान पहचान थी। वहीं प्रॉपर्टी डीलिंग के काम की वजह से उसे जान का खतरा भी बना रहता था, इसलिए वह अपने साथ हथियारबंद लोगों को रखने के साथ साथ पिस्टल भी रखता था। उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को भी हथियार चलाने सिखाए थे। अपने पिता से बंदूक चलाना सीखकर अभिषेक ने उन्हीं को गोली मार दी।